अच्छा लगा, लेकिन इतने लोगों के बीच में भी मालती भाभी की कमी बहुत खल रही थी, और प्रिया की तबीयत खराब थी वो भी बहुत खल रहा था, मतलब बहुत। अचानक राधा का ऑपरेशन करवाना पड़ा अंगूठे में, और जो कि यहाँ पे देख सकते हैं निशा भाभी दबा रही हैं सर। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। और जो कि आज सुबह सुबह जाना पड़ा और वीडियो भी नहीं डाल पाए और मोबाइल भी चार्ज नहीं था और जल्दी जल्दी में जाना पड़ा। और यहाँ जो कि क्या हुआ राधा? दोस्तों यहाँ देखिए पट्टी बना गया है, लेकिन यहाँ से दर्द हो रहा है, मैं यहाँ हाथ नहीं रखने दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर दर्द हो रहा है, टपक रहा है। जैसे सुई लगा के जो उसमें से मौत का निकाले थे ना, उसकी वजह से वो टपक रहा है। दवा खाई है तो दवा भी तो हमें लग रहा आराम नहीं है। अब आराम है राधा? तो अभी तत्काल में हुआ है ना, तो दवा वा दोस्तों लेके आए हैं हम लोग और यहाँ पे खाए हैं अभी। क्या तो दोस्तों हम क्या बताएं, सुबह में हम लोग सोए थे और हम लोग को पता नहीं था, सुबह सुबह हुई थी ना, हम लोग को पता नहीं, अचानक तबीयत खराब हुआ तो। और अब यहाँ से अभी थोड़ी देर में फिर ले जाएंगे, एक बार चेक कराएंगे, क्योंकि जब से आई हैं तब से कह रही हैं बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ना। बोलो, कम से कम बोलो तो, और बोल नहीं पा रही हैं दोस्तों। देख सकते हैं मुंह कैसे गिरा हुआ है। तो ऑपरेशन हुआ तो दर्द नहीं होगा यार, दवा खाई अभी आराम मिल जाएगा। जिसका ऑपरेशन होता वही जानते हैं ना, जिसका नहीं हुआ कैसे जानते। दोस्तों अब राधा को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। चलो उठो आराम से, अभी ले जाएंगे फिर चेक कराएंगे। पूरा था टपका। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। बाबू ने क्या पूछता, और हमको खुद ही नहीं पता था कि छोटा सा चीज इतना बड़ा हो तकलीफ देगा। कल से ही मतलब हल्का फुल्का अंगूठे में दर्द हो रहा था, तो हम नहीं समझे क्या है क्या नहीं है। उसके बाद रात को निशा दीदी को दिखाया है कि निशा दीदी पीला पीला सा लग रहा है और टाइट हो गया है अंगूठा, यहाँ से ये पूरा पीला हो गया था और टाइट हो गया था अंगूठा। तो निशा दीदी को दिखाएंगे, बोली हैं कि इसको दिखा लेना, हल्के में मत लेना। तब तक सुबह से उठे हैं, कुछ सोच कुछ सुझाइए नहीं, गिरा था हमको कुछ समझ ही नहीं आया, बस गिर गए। उसके बाद तो आप तो दोस्तों लेके आए हैं, फिर उसके बाद दवा हुआ। एक्चुअली अब आराम उतना नहीं मिला है ना, अभी फिर लेके जाएंगे और जाना है खलीलाबाद भी। और उधर देख रहे हैं अमरनाथ भाई का भी थोड़ा सा, उनके वाइफ का भी दिक्कत चल रही है। आप लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया कि बेचारी ठीक हो। दुख आता है तो चारी ओर से आता है, तो बात तो सही है। और थोड़ी सी दुआ मेरे लिए भी करिएगा कि मेरा भी जल्दी से ठीक हो जाए। और क्या बताएं, समझ में आ रहा। और हल्का फुल्का दर्द हुआ तो रात में पूरा टाइट हो गया था, पक गया था ऐसे, पूरा इतने दूर में पीला पीला हो गया। कल मतलब मुझे जब खलीलाबाद गया था तो दिखाई थी कि दर्द हो रहा है, दवा लेना है, तो मैं बोला ठीक है कल ले लेंगे। अब हमको क्या पता कि रात भर में वो पूरा सूज के पूरा, मतलब सूज के पूरा टाइट हो गया था और पीला पीला उसमें मवाज टाइप भर गया था। हमारे यहाँ के बंगाली हैं, मतलब बंगाली डॉक्टर साहब हैं, बहुत अच्छा दवा देते हैं। बचपन से हम लोग का दवाई वहीं से चलता है। जा खाना खाला, खाना खाना, मतलब कटोरिया ला दे के, और कटोरिया ला दे साहब की, बहुत सारा कटोरिया ला दे। और ये मोबाइल स्विच ऑफ था, इसकी वजह से वीडियो नहीं डाल पाए थे। अब पहली बात तो जब ये हड़बड़ा जाते हैं ना, कोई भी चीज़ होता है तो हड़बड़ा जाते हैं। फ़ोन भी नहीं लिए थे, यहाँ तक कि जिससे पेटीएम करना था वो वाला फ़ोन भी नहीं लिए थे। वो तो निशा दीदी का बाइक था, जल्दी जल्दी मतलब उसी पे बैठाए और पकड़ के लेके गए। तो अब क्या बताएं, चलते हैं फिर यहाँ से खलीलाबाद। खलीलाबाद दोस्तों इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम राशन कार्ड बनवाए थे ना, हमारा कैंसिल हो गया था, और तो वही लेके जा रहे हैं, इस वजह से जा रहे हैं। और वहाँ पे दवा भी एक बार चेक करा के अच्छे से ले लेंगे, और जो दवाई मिली है वो दवाई वहाँ पे दिखा के, थोड़ा सा बोल रहे हैं दिखा के वहाँ से ले लेंगे। और जा रहे हैं तो अभी देखिए क्या होता है।
और कल जो वहाँ पे इवेंट था आप लोग को पता ही है, सभी लोग जुटे थे, बहुत इंजॉय किया गया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन इतने लोगों के बीच में भी मालती भाभी की कमी बहुत खल रही थी, और प्रिया की तबीयत ख़राब थी, वो भी बहुत खल रहा था। मतलब बहुत कहते हैं ना कि एक दुख हमेशा याद रहेगा कि ये दुख हमारे साथ हुआ है। मालती भाभी की कमी इतनी खल रही थी कि हम बार बार, और जिस जगह हम गए थे उस जगह हम फर्स्ट टाइम मालती भाभी से वहीं पे मिले थे, और कल का दिन वही था कि जहाँ पे हमको अवार्ड दे के सम्मानित किया गया और वो नहीं थी। तो यही सब चीज़ सोच के और थोड़ा दुख हो रहा था। और बाकी का हम तो वहाँ पे एकदम रोइन पॉइंट हो गए थे, ये बार बार हमको डांट रहे थे, लेकिन हम बोले कि कोई बात नहीं यार, जिंदगी में तो याद रहेंगी, भले वो इस दुनिया में नहीं लेकिन याद हमेशा रहेंगी। तो हमेशा ही बोलेंगे मालती भाभी लव यू मिस यू, बस क्योंकि उनके बारे में कुछ भी बोलते हैं तो अपना दुख भूल जाते हैं। अगर उनके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि जो इस दुनिया में नहीं है सोचने से क्या फ़ायदा है, तो कभी कल ऐसा होता है कि आदमी जब वहाँ पे पहुँचता है तो सोच रहे थे इनके साथ यहाँ पे फर्स्ट टाइम मिले थे, इन लोगों ने इतना सपोर्ट किया और आज इस दुनिया में नहीं है, तो हम तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं। और विष्णु भैया हैं तो जेल में हैं, वो भी नहीं उस मौके पर थे, तो बहुत कमी खल रही थी जो दोनों जनों की। वही तो हाँ, नीरव आया था, नीरव भी बेचारा रोइन पॉइंट हो गया था। जब इसके दीदी के बारे में मैंने दो शब्द बोला, मालती चौहान के बारे में जब मैंने दो शब्द बोला, नीरव एकदम रोइन पॉइंट हो गया था। फिर भी उसको भी समझाया, बोले टेंशन मत लो, तुम्हारी एक दीदी नहीं है, एक दीदी ने तुम्हारी इतनी सारी दीदियाँ बना दी हैं, तो तुम्हें कभी भी तुम दुख में पड़ना एक बार याद करना, हम लोग हाजिर हो जाएंगे। और हम हमेशा यही बात कहते हैं, हम सुख में हाजिर हों चाहे ना हों, दुख में हमें याद करना, हम जरूर हाजिर हो जाएंगे। लाइट चली गई दोस्तों, लाइट चली गई और मिलते हैं दोस्तों, लाइट चली गई यहाँ से, और अब चल रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट करेंगे उसके बाद चलते हैं। और राधा आओ, और यहाँ पे ऑटो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, क्या होता है। और यहाँ पे देख सकता भी सब ले लें, पासबुक और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो में अब जा रहे हैं राधा बैठने। कागजा नहीं लाए, पकड़ो मोबाइल ऐसा। तो दोस्तों मेरी बेटी भी रो रही है, हमको देख रही है इस तरीके से, तो हाँ पैसा दे दा, मैंने चीजी खा ले, तो चलिए दोस्तों चलते हैं, अभी टपक रहा है। और आप लोग से दुआ करते हैं, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए और मेरा थोड़ा सा, मेरे लिए भी दुआ करिए कि मेरा भी हाथ जल्दी से ठीक हो जाए और हम भी अपना वीडियो भी अच्छे से बनाएं। और प्रिया की हालत अब पहले से काफ़ी अच्छी है, और भगवान करे वो और भी अच्छी हो जाए। अमरनाथ से कल बात हुई थी, वो बनारस चले गए हैं रात में भी, अमरनाथ से ऐसा नहीं बात नहीं होती, रात में भी बात हुई थी अमरनाथ से, अमरनाथ रात में भी बताएं कि भाभी सब कुछ इतार इतार इस बतावती है, खाली बोल ना पावती है। देखा अगर आज तक बोले लगे तो अच्छी बात है, अभी तक वीडियो नहीं आया अमरनाथ का, वीडियो आएगा तो बात करेंगे, पूछेंगे क्या है क्या नहीं है, तब तब बताते हैं क्या होता है। और प्लीज़ आप लोग मेरे जितने भी हमको चाहने वाले हैं, आप लोग परेशान मत होइएगा, छोटी मोटी चीज़ है, ठीक हो जाएगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपकी राधा भाभी कभी हार नहीं मानती है, कितनी भी दुख से दुख आ जाती है उसके ऊपर, तो बस आप लोग का प्यार है कि हम कभी भी हार नहीं मानते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी हमको ऐसे लगता है कि मेरी YouTube फैमिली है, मैं कुछ नहीं होगा, और यही मुझे हौसला आगे तक रहता है, तो मैं हमेशा बस यही सोचती हूँ। और बाकी की यही सारी बातें आप लोग के सामने रख रहे हैं कि आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ताकि जलने वाले और जलते रहें, और हम ऐसे ही कितना भी हम पे दुख आए लेकिन हम आगे बढ़ते रहें।
हम बस ये चाहते हैं, और बाकी की दुनिया क्या कहती है हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी यूट्यूब फैमिली हमारा साथ दे रही है ना, बस हमें ही फ़र्क पड़ता है। तो चलिए इसी, अब हम चल रहे हैं यहाँ से, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।